बॉलीवुड को एक के बाद एक लगातार दूसरे दिन बड़ा झटका लगा है। 2020 जैसे साल नहीं काल बनकर आया है। बुधवार को जहां बॉलीवुड के मकबूल इरफान खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया, वहीं गुरुवार को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर इस दुनिया से रुखसत हो गए। इरफान खान की मौत के दूसरे दिन ऋषि कपूर का यूं जाना पूरे देश के लिए बड़े सदमे की बात है। कैंसर की लड़ाई से जूझते हुए 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर का मुंबई में निधन हो गया। वह कुछ वक्त से बीमार थे। उनके भाई रणधीर कपूर ने बताया था कि बुधवार सुबह ऋषि को हॉस्पिटल ले जाया गया था। उनको सांस लेने में तकलीफ थी। ऋषि की मौत के बाद अमिताभ बच्चन सहित कई बॉलीवुड सेलेब्स, नेताओं और उनके फैंस ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। कुछ वक्त पहले ऋषि कपूर को दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वह वहाँ कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करने गए थे। उस वक्त ऋषि कपूर ने बताया था कि उनको कोई इन्फेक्शन हुआ है। वहीं मुंबई लौटने के बाद वह वायरल फीवर की वजह से भर्ती हुए थे। ऋषि कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थे, हालांकि 2 अप्रैल से उनके सोशल मीडिया पर कोई अपडेट नहीं था। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था। वे हिंदी फिल्म जगत में अभिनेता के साथ साथ एक कुशल फिल्म निर्माता और निर्देशक भी थे। वह एक बाल कलाकार के रूप में भी काम कर चुके थे। साल 1974 में उन्हें फिल्म बॉबी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।